हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी। गाइस, आज आपके लिए बहुत तगड़ी वीडियो लेके आऊँ, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज आपको वीक टू वीक एंड कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पूरा बताऊंगा, जिसके दम पे आप बैक टू बैक कैंडल को जज कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी ट्रेड हिस्ट्री को हाइड कर दूंगा, नहीं तो ध्यान बार बार आपका यही जाएगा और आप लर्निंग नहीं ले पाओगे। ठीक है, जो ये कैंडल चल रही है यहाँ से मैं एक अप की ट्रेड लूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा एंट्री अपनी लेट हो गई, बट मेरे अकॉर्डिंग ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। अब ग्रीन क्यों बनेगी, इसका सिंपल सा रीजन आपको बताता हूँ। ये जो देखो विक जो होता है, जो कैंडल की विक होती है, वो हमको बहुत कुछ बताती है। सबसे पहले एक चीज बताऊंगा दोस्त, जो आप देखो, मैं जब इस स्टेज पे था, मैं आपके साथ यूट्यूब पे फुल ट्रांसपेरेंटी से रहने आया हूँ। अब क्यों रहने आया उसका रीजन बताता हूँ। जब मैं स्ट्रगलिंग डेज पे था, बिगिनर था, जब ट्रेडिंग सीख रहा था, बहुत पैसा लॉस किया था मैंने, मतलब हद से ज्यादा पैसा लॉस किया था। तो मैं भी वो चीज समझता हूँ कि गरीब अगर बिगिनर पैसा ला रहा है तो बेचारा कैसे कैसे करके पैसा ला रहा है, इस ट्रेडिंग फील्ड में डाल रहा है और उसका लॉस हो जा रहा है। ठीक है, उसका लॉस हो जा रहा है तो वो क्या कर रहा है भाई। देखो, कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, ये मार्केट तुम्हारे फीलिंग्स और तुम्हारे इमोशंस की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता। तुम्हें ये फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे, अपने ग्रीड पे, साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा और इनको कम करना पड़ेगा। ठीक है, और साइकोलॉजी को सीखना पड़ेगा, एक कैंडल की विक बॉडी क्या बोलती है और कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के दम पे हम बैक टू बैक कैंडल को कैसे जज कर सकते हैं, ये हमको आना चाहिए 110%। अगर नहीं आएगा तो आप देखो लॉस का सामना हमेशा करो। हाँ देखो, एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो भी लॉस करता है, जो बिगिनर होता है वो भी लॉस करता है, लेकिन जो बिगिनर होता है वो 20 ट्रेड लेगा तो उसमें से 15 ट्रेड 17 ट्रेड लॉस ही कर देगा, और जो एक्सपीरियंस होता है अगर 20 ट्रेड लेगा उसमें से 2 ट्रेड 3 ट्रेड लॉस करेगा। यही फर्क होता है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को अपने लॉस को रिकवर करने आता है, उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो उसको आता है, बट बिगिनर को नहीं आता, क्योंकि बिगिनर के पास नॉलेज नहीं होती। देखो, एक जब बंदा थक हार के जब सीखता है, अब देखो मैं यहाँ पे एक अपकी ट्रेड लेने वाला हूँ, बस कैंडल थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि ये देख रहे हो हर एक कैंडल में दो पहलू होता है। क्या होता है, हर एक कैंडल में दो पहलू होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, याद रखना। ग्रीन कैंडल में भी, रेड कैंडल में, देखो ग्रीन कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है यहाँ पे इसका टेल होता है, और जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, जब भी हेड बड़ा रहता है, और ये टेललेस कैंडल है, जब भी हेड बड़ा रहता है और टेललेस कैंडल होती है, तो समझ लो कि मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर और स्ट्रांग कैंडल है। इसके बाद एक कैंडल अप जा ही सकती है, इस वीक को पहले कंप्लीट करेगा, उसके बाद रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, ये होती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो मार्केट तुम्हारा यहाँ से अब क्यों जा रहा है, क्योंकि इस वीक को इसको फुलफिल करना है। एक कैंडल की विक हमें बहुत कुछ बताती है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये तुम्हारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया, अभी समझा के फिर उसके बाद एक दो ट्रेड लेके आपको दिखा दूंगा, पहले आप सीखो। ठीक है, लर्निंग पे फोकस करो। ये देखो, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब देखो, मैं आपको हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि भाई रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल हमेशा वर्क नहीं करता। यहाँ पे भी आपका रेजिस्टेंस लेवल था, इसको भी मार्केट तुम्हारा ब्रेकआउट करके निकल गया। देखो मार्केट में हमेशा ये जानते हो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ना इसको करेक्शन वेव बोलते हैं। ये जो आती है 2-3 कैंडल की, जो 2 कैंडल की अगर करेक्शन वेव आती है, तो ये इतना समझ लेना कि मार्केट वहां से अभी और ज्यादा कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये करेक्शन वेव होता है। जो 2-3 कैंडल की करेक्शन वेव होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये सब मेंटरशिप का टॉपिक है, करेक्शन वेव वगैरह क्या होता है। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ रिवील करता हूँ और बताता हूँ कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पे तुम्हारा ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा सेकंड गाइस, एक सेकंड में कुछ ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं आपको उसके थ्रू समझाना चाहूंगा, क्योंकि वो परफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारी टेरलेस कैंडल है, टेरलेस कैंडल ऑलवेज स्ट्रांग होती है। इस विक को जब आपके ग्रीन कैंडल का देखो हेड हेड आपको पता चल गया, ये टेल होता है ग्रीन कैंडल में और ये हेड होता है। ठीक है, अब रेड कैंडल में तुम्हें क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, रेड कैंडल में ये टेल होता है और ये हेड होता है। जब भी एक कैंडल का टेल बड़ा होता है, जब भी एक कैंडल का टेल बड़ा होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रेशर होता है। अगर ये टेल यहाँ पे, इसका नीचे टेल है, अगर इसका ये टेल बड़ा रहेगा, अगर ये टेल नीचे, अगर यहाँ पे विक नीचे छोड़ेगा, तो समझो कि यहाँ पे मार्केट का प्रेशर है और सेलर भी इंटर हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये सेलर, ये विक नीचे का टेल बड़ा है, तो यहाँ पे सेलर इंटर हुए हैं। ये सेलर कहाँ आएंगे, कुछ टाइम बाद आ जाएंगे। पहले आपको टेल का जो ऊपर का हेड है उसको समझा देता हूँ। देखो, जो टेरलेस कैंडल होती है वो स्ट्रांग होती है, एंड यहाँ पे जो ये विक छोड़ा है ना, इस विक को कंप्लीट करने के लिए मार्केट यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। अब देखो, ये जो यहाँ पे देखो, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बायर्स या सेलर्स यहाँ पे इंटर हुए हैं,
ये जो इतना बड़ा वीक है, यहाँ तक सेलर्स इसको प्रेशर नीचे डाल के लेके आए हैं, लेकिन भाई ये सेलर्स कहाँ एंटर होंगे? ये कहीं एक स्ट्रांग सपोर्ट या कहीं एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि एक रिवर्सल के लिए एक पॉइंट पे जहाँ पे रिवर्सल होता है वहां पे एक रिवर्सल के लिए एक स्ट्रांग लेवल वगैरह तो होना चाहिए, तभी तो यहाँ से तुम्हारा ये मार्केट रिवर्स होगा। तो यहाँ पे इस वीक को कंप्लीट किया, रेजिस्टेंस था, मार्केट रिवर्स हो गया। अब देखो लेवल्स कब काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब काम करता है। तो भाई देखो WSB, RSB, SSB ये सब कॉन्सेप्ट जहाँ पे लगता है, SRB वगैरह का था, ठीक है, WRB वगैरह का, तब ये मार्केट काम करते हैं। जैसे तुम समझो सब्जी बना रहे हो, तो उसमें जब तक तुम मसाला नहीं मिलाओगे तब तक तुम्हें स्वाद नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ट्रेडिंग में भी वैसा होता है, जब तक तुम इसमें कोई मसाला नहीं मिलाओगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये रिवर्सल कहाँ से होगा, ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं काम करेगा। तो ये जो WSB, SSB, RSB, SRB, WRB ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका मेंटोरशिप का टॉपिक है, तो उसमें सिखाया जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं ट्रेडिंग की फुल नॉलेज देता हूँ A to Z, बेसिक से एडवांस एक्सपर्ट लेवल तक, तो उसमें सिखाया जाएगा। बट आपको कुछ हिंट देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क क्यों नहीं करता। आपका यही रेजिस्टेंस लेवल था, देखो दो टचेस थे, तीसरे टच पे भी रिवर्सल नहीं किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, तो ये क्यों नहीं काम करता, ये पता चलता है आपको मसाला जब आप मिलाओगे WSB, SSB, RSB का, तब ये पता चलेगा कि ये रिवर्स क्यों हुआ, रिवर्स क्यों नहीं हुआ। अब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, यही कैंडलस्टिक साइकोलॉजी होती है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पे आया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, रिवर्सल क्यों नहीं दिया। अब अगर आपको यही क्यों का अगर मतलब पता चल जाएगा, अगर इसी एक वर्ड का वाई का अगर मीनिंग पता चल जाएगा, मार्केट यहाँ से रिवर्सल क्यों नहीं दिया, तो तब तो आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाओ, क्योंकि बिगनर जो होते हैं इसी लेवल पे अपना लॉस करके पैसा हमेशा बर्बाद करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो आपको अगर पता पहले से ही चल जाएगा कौन सा लेवल काम करेगा कौन सा लेवल काम नहीं करेगा, तो क्या आप इस पे अच्छी से ट्रेडिंग करके विन नहीं कर सकते? आपको पहले से ही पता रहेगा मार्केट अप जाएगा, यहाँ से रिवर्सल नहीं होगा, तो आप अच्छे से आराम से कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो बिगनर यही ऐसा करता है हमेशा कि लॉस करता है रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेडिंग करके, और मार्केट उसको हमेशा हराता ही रहता है और लॉस का सामना वो करता ही रहता है, ठीक है। तो एक रियल नॉलेज और एक सही गाइडेंस की आपको जरूरत है, मैं आपको क्लियर वे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फुल ट्रांसपेरेंटी से आपके साथ रहने आऊँ, क्योंकि मैंने भी वो गरीबी, मैंने भी वो स्टेज देखा है स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा वर्क नहीं करता, हाँ करता कब है, जब उसमें कोई ना कोई मसाला मिलाओगे तभी वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि दो तीन तीन कम तीन या चार कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे तब बेटर होता है, ठीक है। अब देखो ये मार्केट इतना तगड़ा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यहाँ से ये मार्केट अब क्यों जा रहा है, तुम्हें रीजन बता दूँ। देखो ट्रेंड जब फॉलो करता है, मैंने तुम्हें बताया हेड और टेल कैंडल, जब कहाँ गई देखो, जब हेड टेल कैंडल में गई, देखो ये तुम्हारी टेल, देखो रेड कैंडल में तुम्हारा ऊपर टेल होता है नीचे हेड होता है, ठीक है। जब मार्केट का हेड बड़ा होगा, जब क्योंकि ये देखो मैंने बताया नीचे हेड होता है ना, तो ये जब रेड कैंडल का जब हेड बड़ा होगा तो मार्केट की पॉसिबिलिटी ये रहती है, चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट आएगा इस कैंडल के इस वीक को फुलफिल करेगा, फिर उसके बाद यहाँ से रिवर्सल होगा। अब अगर यही आपका टेल बड़ा होता ऊपर से, अगर ऊपर वीक रहता, तो क्या चांसेस थे कि बायर यहाँ पे इंटर हुए हैं, जो ये बायर इंटर जब हुए रहेंगे, देखो जैसे यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो ये आपका क्या पड़ा है, टेल बड़ा है, रेड कैंडल के टेल बड़ा है, तो जब ये टेल बड़ा है तो ये पॉसिबिलिटी होती है। देखो ये टेलेस कैंडल थी, मार्केट यहाँ से डाउन आ गया, यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, फिर भी देखो ये, देखो ये डोजी लेवल हमेशा स्ट्रांग होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, डोजी लेवल हमेशा एक स्ट्रांग लेवल होता है, और यहीं से देखो बायर्स गैप अप ओपनिंग करके ऊपर गए हैं, तो मार्केट जब यहीं इसी लेवल पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे बायर एरिया है पूरा, ठीक है। अब देखो टेलेस कैंडल थी, मार्केट इस वीक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे नीचे आ गया, अब देखो इसमें क्या है पॉसिबिलिटी तुम्हारी, क्या बन रही है, जब यहाँ पे सेलर ऊपर हिट, इसका जब टेल बड़ा है, तो ये जो बायर इंटर हुए ये कहाँ जाएंगे? अगर इस कैंडल पे टेल बड़ा हो, हेड बड़ा होता तो मार्केट रिवर्सल नहीं होता, क्योंकि आना था इसको नीचे फुलफिल करने, अभी नीचे आएगा, ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इसमें बड़ा होता तो क्या होता कि मार्केट अभी और नीचे आएगा। देखो जब भी टेल बड़ा होता है तो मार्केट के रिवर्सल की पॉसिबिलिटी क्या होती है, उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, वो भी स्ट्रांग। अब आपको स्ट्रांग लेवल कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस कौन सा सपोर्ट वर्क करेगा, उसमें मसाला मिलाना पड़ेगा WSB, SSB, SRB वगैरह का, SSB का, ठीक है, WRB का, तभी ये आपको पता चलेगा सपोर्ट कौन सा काम करेगा, रेजिस्टेंस कौन सा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो ये जो बायर्स यहाँ पे इंटर हुए, ये कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत लगा के आएंगे, कहीं ना कहीं ये अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और आएंगे, तो यहाँ पे इसको एक स्ट्रांग सपोर्ट मिला, और उसके बाद मार्केट इस वीक को जो यहाँ पे बायर इंटर हुए थे, यहाँ पे फिर बायर अगेन आ गए, ठीक है। अब देखो जब भी एक कैंडल में विक बड़ी बड़ी बनने लगी,
जब भी एक कैंडल में विक बड़ी बड़ी बनने लगे, तब समझना कि मार्केट में एक मतलब अपोजिट कैंडल आने वाली है। जब भी एक कैंडल की विक बड़ी बड़ी बनने लगी, तब आपको ये समझ जाना है कि मार्केट में एक अपोजिट कैंडल आने वाली है। बड़ी बड़ी विक बन रही, बड़ी बड़ी विक बन रही, यहाँ पे कुछ है तो देखो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। देख लो, यहाँ से एक बार यहाँ पे रेड के बाद ग्रीन बना है, यहाँ पे रेड के बाद ग्रीन के बाद रेड बना है, तो बस इसी पॉसिबिलिटी की वजह से बड़ी बड़ी कैंडल बनी और मार्केट यहाँ से सिंपल रिवर्स हो गया। यहाँ पे अगर अभी अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे एक रजिस्टर सपोर्ट लेवल फाइंड करके रखे रहोगे, मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं। तो इसी वजह से बहुत कुछ बिगिनर नहीं जानते हैं। अगर आपको देखो, कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी ना ये विक पे बहुत ज्यादा काम करता है। अब देखो इस विक में क्या है, अगर ये कैंडल ग्रीन बनती तुम्हारी, ये कैंडल अगर तुम्हारी ग्रीन बनी होती, तो इसमें तुम ये देखते कि यहाँ तक सेलर इंटर हुए हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर आ सकते हैं। बट ये कैंडल तुम्हारे रेड बन रही थी और इसमें ये बायर्स का प्रेशर है, जो कि बायर्स इसको ऊपर खींच के लेके हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि यहाँ पे बायर्स आएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, तो मैं समझा रहा हूँ, ग्रीन टेलरेस कैंडल मार्केट इस वीक को कंप्लीट करने के लिए ऊपर गया, फिर टेलरेस कैंडल मार्केट इस वीक को कंप्लीट करने के लिए ऊपर गया। जब देखो, मैंने तुम्हें बताया, जब कैंडल में बड़ी बड़ी वीक बनने लगती है, तो मार्केट का रिवर्सल के चांसेस रहते हैं कि अपोजिट कैंडल दे, विक बड़ा हुआ दोनों का, मार्केट यहाँ रिवर्सल हो गया। जब भी हेड बड़ा हो, ग्रीन कैंडल में जब हेड बड़ा हो, तो समझ जाना कि मार्केट अभी एक और कंटिन्यूअस कैंडल देगा। जब इसका अगर यही समझ लो, नीचे विक रहता, नीचे विक है, अगर कहीं मैं दिखा देता हूँ ग्रीन कैंडल पे, ये देखो ग्रीन कैंडल पे जो नीचे विक बन रहा है ना, ये पॉसिबिलिटी हमको ये दर्शाता है कि यहाँ पे सेलर इंटर हुए हैं, यहाँ पे सेलर इंटर हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी है इस कैंडल के बाद अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रांग कुछ रहेगा, तो मार्केट नीचे आ जाएगा। तो मुझे इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गिरते ही, जो मार्केट चढ़ रहा है ना, इसको मैं आपके सामने ही गिराने जा रहा हूँ। देखो, यही पॉसिबिलिटी इसमें है कि मार्केट में, देखो ये जो सेलर आए हैं, ये सेलर नेक्स्ट कैंडल पे आ सकते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल नेक्स्ट वाली कैंडल बनेगी, इस पे ये सेलर इंटर हो सकते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट एक बार देख लेता हूँ जरा, मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंड और प्रेशर के साथ ऊपर जा रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसको एक रेट देना चाहिए, और देना चाहिए यार। देखो, यही पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे, देखो क्योंकि ये जो सेलर इंटर हुए हैं मेरे भाई, ये कहाँ जाएंगे? इसका ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका क्या बड़ा है? ये टेल बड़ा है, और जब भी टेल बड़ा होता है कैंडल का, जब टेल बड़ा होगा, तब रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। ये हर जगह आप इस चीज को नोट कर लो, जब हेड बड़ा होगा तो मार्केट कंटिन्यूस कर सकता है, और जब टेल बड़ा होगा तो मार्केट एक ना एक कैंडल तुम्हें देगा ही देगा, एक दो कैंडल के बाद, क्योंकि वहां पे ये पॉसिबिलिटी होती है। जो ये सेलर्स आए हैं, ये सेलर्स कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो इंटर होंगे ना। यहाँ पे देखो, आप कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिख रहा, इसी चढ़ते हुए मार्केट को मैंने यहाँ से गिरा दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या देखा, मैंने यहाँ पे बहुत सी पॉसिबिलिटी देखी है भाई। पॉसिबिलिटी मतलब मोमेंटम देखा है, प्रेशर देखा है, बायर क्या कह रहे हैं, सेलर क्या कह रहे हैं। उसके बाद में एक ट्रेड अगर 500 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, $500 मतलब 35-40 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहाँ पे कुछ देख के ही कर रहा हूँ। अब जब भी एक टॉप पे स्पिनिंग कैंडल बनती है, तो वहां से पॉसिबिलिटी क्या रहती है मैं आपको बता देता हूँ। स्पिनिंग कैंडल जब टॉप पे बनता है बहुत ज्यादा, तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, बट आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एक टॉप पे अगर एक रेड कैंडल बनेगी, वो भी स्पिनिंग की, तो ये कंटिन्यूस कैंडल भी है और रिवर्सल की। अगर ये हमको बीच में अगर ग्रीन कैंडल स्पिनिंग का देता, तो हमको यहाँ से कंटिन्यू करना था। देखो, जैसे यहाँ पे हमको यहाँ से कंटिन्यू करना था, अब यहाँ पे अगर टॉप पे एकदम दिया, तो वहां से हमको रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है। सिंपल आपको मैंने समझा दिया कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है। अब देखो, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यही सिंपल होती है, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल काम किया नहीं, तो क्यों नहीं काम किया, बस ये। अगर रेजिस्टेंस लेवल एग्जैक्ट, लोग बताते हैं एग्जैक्ट जाके क्लोज होगा, तो वहां से तुम्हें तुरंत पुट ले लेना है, और तुरंत पुट लेना और तुरंत लॉस कर देना, सिंपल, क्योंकि वो तुम्हारा चूतिया काटने आए हैं और तुम चूतिया कटवा रहे हो। तो बिगनर हो, समझा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंटी से तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। मैंने वो गरीबी, मैंने वो स्टेज देखा, इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि भाई तुम ना देखो, बैंकरप्ट हो जाओगे। अगर चूतियों की बातों में आ गए ना, तो बैंकरप्ट हो जाओगे, दर दर भटकोगे, काम करने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, कहाँ कहीं काम मिल जाए, और मिल भी गया तो 12-15 हज़ार में निपट जाओगे महीने भर में। महीने का अगर 10-12 लाख का सपना है, महीना कमाना है 10-12 लाख, हफ्ते का कमाना है इतना, तो समझ लो सीखना पड़ेगा और रियल नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर तुम महीने का 12-15 हज़ार कमा रहे हो, तो क्या कमा रहे हो भाई? तुम सोचो, अगर महीने का 10-12 लाख, 10-12 लाख, हफ्ते का 10-12 लाख कमाना है, तो सीखना पड़ेगा, रियल नॉलेज लेनी पड़ेगी। और जब रियल नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो तुम्हें समझना पड़ेगा इसमें कौन सा मसाला मिलाना है, WSB का मिलाना है, SSB का मिलाना है, या WRB का मिलाना है,
या SRB का मिलाना है, तब तुम्हें पता चलेगा ये रेजिस्टेंस काम करेगा कि नहीं करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। यहाँ से ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यही होती है, अगर ये रिवर्सल हुआ तो ये पहले से ही रिवर्सल क्यों हो गया। मार्केट यहाँ तक इसको आना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा लेग है। अगर इसको मार्केट, ये लेफ्ट लेग होता है, ये राइट लेग होता है, अगर मार्केट को यहाँ तक कम से कम आना चाहिए तो यहाँ से ये पहले से ही रिवर्सल क्यों हुआ, यही पॉसिबिलिटी आपको ढूंढनी होती है। जैसे ये मार्केट फिर ये यहाँ से रिवर्सल हो गया, तो यही पॉसिबिलिटी आपको पता करनी होती है, मार्केट पहले से यहाँ से रिवर्सल क्यों गया, यहाँ तक क्यों नहीं, यही होती है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। हर एक कैंडल में जो कैंडल की विक होती है वो हमको बहुत कुछ बताती है, ठीक है। ये जो कैंडल की विक बन रही है हमको क्या दर्शा रहा है, सेलर यहाँ पे एंटर हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कहीं अगर इसको एक रेजिस्टेंस स्ट्रांग मिलेगा और एक दो कैंडल पर सेलर यहाँ पे आएंगे जरूर। ये बायर्स का प्रेशर है, सेलर भी आए हैं तो पॉसिबिलिटी है एक कैंडल दो कैंडल बाद सेलर आएंगे, और सेलर आए, अब देखो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, रेड कैंडल बनी बट से बायर्स यहाँ तक गए हैं, हाई बना के इसका हाई बना के आया और विक्टोरियस यहाँ पे रेड हुआ है, मतलब सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हुए हैं, बट जो ये ट्रेंड है ये ट्रेंड को कौन देखेगा, मैं ही देखूंगा। हर जगह अलग अलग पॉसिबिलिटी लगती है, हर जगह अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है। देखो मैंने फिर आपको बताया कि जो कैंडल है अगर ये कैंडल रेड बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो इसके रेड इसके बाद वाली एक कैंडल रेड बनेगी, फिर मैं ये भी पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ इसके इसके बाद वाली एक कैंडल रेड बन सकती है अगर ये रेड नहीं बनती है तो, क्योंकि यहाँ पे सेलर जो इंटर हुए वो कहाँ जाएंगे, ये सेलर जो इंटर हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, वो एक दो कैंडल बाद उनको आना ही आना है। चलो आज मेरा पूरा टाइम समझाने में ही निकल गया, एंड मैं दूसरा कोई चार्ट देख लेता हूँ और तुमको उस पर भी समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है तुम्हारा, अब देखो ये जो बायर्स आए हैं ये बायर्स कहाँ जाएंगे, अब इसको एक दो कैंडल पे आना है। चलो मैं यहाँ से एक अपकी ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये तुम इसको सेलिंग का प्रेशर नहीं समझोगे, इसको तुम सेलर का प्रेशर नहीं मानोगे मेरे भाई। ये अगर तुम्हारा मैंने तुम्हें अभी बताया कि अगर ये कैंडल पे विक बड़ी बड़ी बनने लगती है तो समझ लो कहाँ वहां पे एक अपोजिट कैंडल आने वाली है, ये तुम्हारा सेलिंग का प्रेशर नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे इतना इतना ऊपर तक यहाँ तुम्हारा बायर गया है, ये बायर यहाँ पे आए हैं तो ये बायर कहाँ जाएंगे, ये बायर कहीं ना कहीं एक दो कैंडल के बाद इस पे इंटर जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर पूरा का पूरा अपनी ताकत लगा रहा है, बायर आने बायर्स की आने की पारी है, क्योंकि बायर्स तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं ऑलरेडी इंटर हो चुका हूँ, तुम्हें कैंडल ही बता देती है, तुम्हें कैंडल की विक ही बता देती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, एक कैंडल की विक तुम्हें बता दे रही है कि बायर्स यहाँ पे इंटर हो चुके हैं, बायर्स पहले ही तुम्हें बता दे रहा है कि हम इंटर हो चुके हैं, सतर्क हो जाओ अब हम आने वाले हैं, अगर सतर्क नहीं होगे तो बायर्स तुम्हें ले डूबेगा। तुम यहाँ पे क्या सोचते, सेलिंग का प्रेशर है, चलो चलते हैं डाउन, और मार्केट यहाँ से क्या कर दिया, आ गया अप आ गया, सिंपल सा। यही होती है बायर्स और सेलर की पॉसिबिलिटी। अब देखो ये जो सेलर यहाँ पे आ रहे हैं, देखो पहले से देखो कैंडल ओपन हुई, अब यहाँ पे सेलर आए हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन तुम्हारी बनती है तो अब तुम्हें एक जो कैंडल चल रही है इस पर तुम्हें पॉसिबिलिटी बताता हूँ, अगर ये तुम्हारी कैंडल ग्रीन बनती है तो इसके बाद क्या होगा, जो ये सेलर आए हैं अगर इसके बाद वाली कैंडल डाउन आती है तो ठीक है, नहीं आती तो इसके नेक्स्ट वाली कैंडल 110% डाउन आएगी ही आएगी, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाली कैंडल फिर डाउन आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे तुम पता चल गया कि सेलर यहाँ पे इंटर हो चुके हैं, सेलर हमको बता रहा है कि बायर्स हमको बता रहा है कि सेलर्स आएंगे अब, ठीक है। देखो एक दो कैंडल बाद यही पॉसिबिलिटी बनती है, अब जो बायर्स यहाँ पे गया है ना इस वीक को कम्प्लीट करने के लिए जाने की मतलब कोशिश करा, इस वीक को जाए कम्प्लीट करे, अब ये गया इस वीक को कम्प्लीट किया और इस वीक को ब्रेकआउट कर दिया, तब भी मैं अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से एक डाउन की ट्रेड लेने वाला हूँ यहाँ से, सिंपल। चलो मार्जिनल सेफ्टी से अपनी ट्रेड लगी है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस वीक का ब्रेकआउट किया है तो मे बी शायद उस वजह से इसको अप जा रहा है, बट अभी भी मैं क्यों इसको डाउन कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने तुम्हें दो पॉसिबिलिटी अभी ये चीज बताया कि ये जो सेलर्स यहाँ पे इंटर हुए हैं तो या तो इस कैंडल इसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे आएंगे या उसके बाद वाली कैंडल पे आएंगे, क्योंकि ये जो सेलर्स है ना इसमें तुम्हारा बाइंग का प्रेशर नहीं काउंट होगा, यहाँ पे सेलर्स आए हैं वो काउंट होगा, और मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे धीरे धीरे अप जा रहा है, बट अभी तक तुम्हें ये प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे पूरा सेलर्स थे, ठीक है। अभी ये सेलर्स बायर्स तुम्हारा क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेकआउट कर दे रहे हैं, सिंपल इसको ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्त मार्केट में सब लॉस करता है, मैं भी लॉस करता हूँ, और इस कैंडल के बाद अब लोग बताएंगे सोचेंगे कि रियल ब्रेकआउट हुआ है, अब इसके बाद देखना मैं तुम्हें पुट कैसे मारता हूँ और बहुत तगड़ी एंट्री लूंगा। यही हुआ, अब देखो ये पकड़ा नहीं है दोबारा, ये तुम्हारा वर्क नहीं किया, अब क्यों वर्क नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे WSB SSB वगैरह का कॉन्सेप्ट लगता है जो कि मैं अपने मेंटरशिप में सिखाने वाला हूँ। तो एक सेकंड मैं यहाँ पे दो ट्रेड पहले डाउन के लिए लेता हूँ,
क्योंकि इस कैंडल को यहाँ से डाउन आना ही, एक ट्रेड और लूंगा, दो तीन ट्रेड और लूंगा, क्योंकि एंट्री थोड़ी सी परफेक्ट नहीं हुई है और अब ऊपर वाली जो ट्रेड ली है वो परफेक्ट हुई है। अभी इस कैंडल को 110% बता रहा हूँ, अगर ये रेड ना बने तो तुम मेरा चैनल छोड़ के चले जाना। अगर इसकी ये वाली जो कैंडल चल रही है, अब देखो कैंडल कितने भी नखरे करे, मेरी शॉर्ट वीडियो में तुम देखे हो, मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कैंडल कितने भी नखरे करे, अगर तुम्हारी एनालिसिस परफेक्ट है मेरे दोस्त, तो कैंडल तुम्हारे कदमों में आके गिरेगी और ये गिरेगी मेरे कदम में, तुम आके देख लेना लास्ट तक। डोजी बनाए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर ट्रेड लग गई, अपनी रिकवरी हो जाएगी, बट इसको रेड बनना है। अब देखो मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, लोग कहेंगे कि चलो ये रेजिस्टेंस था, यहीं पे लेवल ड्रॉ कर देते हैं और यहीं से जब कैंडल पहुंचेगी पुट मार देंगे। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे 50% ब्रेकआउट हो गया भाई, चलो अब चलो, तो इसी वजह से तुम्हारा लॉस भी हो जाता है। अब चलो इसी वजह से तुम्हारा लॉस भी हो जाता है, सिंपल यही चीज बताऊंगा तुम्हें। तो कौन सा लेवल वर्क करेगा, कौन सा लेवल वर्क नहीं करेगा, ये पॉसिबिलिटी तुम्हें देखो, मैंने अभी तक कितनी ट्रेड ली, अभी एक दो ट्रेड लॉस किया मैंने, बस एक दो ट्रेड लॉस किया, बाकी कुछ नहीं। तो यही होती है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की ट्रेडिंग, ठीक है। अब जो देखो मैंने तुम्हें बताया, जो ये सेलर आए हैं वो एक दो कैंडल के बाद आएंगे, अब ये सेलर तुम्हारे यहाँ पे आ गए ना, अब इसमें क्या होगा, देखो ये तुम्हें दिख रहा है बायर्स का प्रेशर है पूरा, बायर्स का जब इतना बड़ा प्रेशर है तो बायर्स अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो तो यही तुम्हें हर एक कैंडल के वीक और साइकोलॉजी यही बताती है, साइकोलॉजी और है, नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, कमेंट करना अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का और पार्ट लेके आऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्या बता रहा है, ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था, ये वर्क क्यों नहीं किया, तो कह रहा हूँ ना, जब हर एक चीज, जैसे तुम मैगी वगैरह बनाते हो तो मसाला मिलाना जरूरी होता है, तो इसमें भी जब तुम मसाला मिलाओगे तभी ये तुम्हारा वर्क करेगा, ठीक है। बिना मसाले का कुछ होने वाला नहीं है, याद रखना इस चीज को। अब देखो ये गया, इस ग्रीन का हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसके बाद चांसेस फुट आएगा, इस ग्रीन के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ये जो ग्रीन की कैंडल दिख रही है, इसके ये जो कैंडल जा रही थी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, तो इसको पुट आना चाहिए था, बट नहीं आया, प्रेशर है, प्रेशर की वजह से फेल हो गया अपना। तो चलो देखो भाई, तुम्हें यही बताता हूँ हमेशा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क क्यों नहीं करता, तो फिर आज बता दे रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे दोस्त हमेशा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसमें मसाला मिलाना बहुत जरूरी होता है, जब तक मसाला नहीं मिलाओगे तब तक मजा नहीं आएगा खाने में, और मसाला मिला दोगे इतना खाओगे महीने का और हफ्ते का 10-12 लाख 15 लाख खाओगे, पेट भर जाएगा तुम्हारा खाते खाते, और नहीं मसाला मिलाओगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे, चूतियों के चक्कर में आओगे, तो वही होगा, क्योंकि वो तुम्हारा लॉस चाहते हैं, इसलिए तुम्हें सही रियलिटी नहीं बताते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लॉस से ही उनको प्रॉफिट है। लेकिन मैंने वो स्टेज देखी है दोस्त, वो गरीबी देखी है कि एक बिगिनर बेचारा कैसे कैसे पैसा अफोर्ड करके लाता है और 10-20 डॉलर 50 डॉलर डालता है और वो लॉस कर देता है। क्यों लॉस कर देता है, क्योंकि इन चूतियों के चक्कर में पड़ के लॉस कर देता है, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे, अब देखो आप खुद इतना समझदार हो कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, रियल, देखो बिना रियल नॉलेज के कुछ नहीं होगा, रियल नॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको 10% भी मैंने नहीं बताया, ये समझ लो, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में और भी सारी चीज़ें आती हैं और अच्छे से मार्केट को रीड करना है तो सीखना पड़ेगा। अभी जो ये सेलर आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ से, बायर्स का प्रेशर जो देख रहे हो, ये बायर्स का प्रेशर है, अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल तुम्हारी पुट आ जाएगी, और अगर यही पुट बन जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स प्रेशर दे रहे हैं। मैंने तुम्हें ये चीज़ बताया है, जब भी कैंडल का हेड बड़ा हो तो चांसेस रहते हैं कि मार्केट अभी कंटिन्यू करेगा, सारी चीज़ों को देख के और पॉसिबिलिटी को देख के तब उस पर ट्रेड लगाया जाता है, ठीक है। तब उस हिसाब से जब आप ट्रेडिंग करोगे तब आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन पाओगे, नहीं तो फिर नहीं बन पाओगे। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, एंड इस वीडियो में अगर अच्छा कमेंट, अच्छा लाइक आता है और रिस्पॉन्स अच्छा अगर मुझे मिलता है तो सेकेंड पार्ट कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का लेके आऊंगा, ठीक है।